हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज के वीडियो सभी पुरुषों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज की बात होगी पूरी की पूरी वीर के बारे में और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खाना तो सब खाते हैं और खाने को पचाने के लिए दोस्तों टाइम लगता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है आपके शरीर में मांस, और सबसे कम और सबसे देर में बनता है आपके शरीर में वीर। जी हाँ दोस्तों, मांस सबसे ज्यादा और वीर सबसे कम। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वाग्भट जी ने लिखा था और मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो भी आप खाते हैं आज की तारीख में, यानी कि अगर जैसे आज की तारीख कहा जाए तो 6 फरवरी, तो इसका वीर्य बनने के लिए करीब 1 महीना लगता है, यानी कि अगले महीने 6 मार्च तक बनता है जो भी आप खाएंगे आज। जी हाँ 30 दिन लगते हैं और सबसे कम बनता है, सबसे ज्यादा समय लगता है और सबसे कम बनता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि वीर्य बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए उसे नष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप अपने वीर्य की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी लाइफ में ज्यादा हेल्दी जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप इस्तेमाल करें अपने लाइफ में एक्सरसाइज। जी हाँ, आप एक्सरसाइज करें कम से कम दिन में दोस्तों, आप 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज जरूर करें। इसके लिए आप चाहे वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए या जिम में वक्त बिताए, लेकिन आप प्लीज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगली चीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज के टाइम पर सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी टेंशन को दूर रखें, और इसके लिए आप जितना हो सके आप अपने मन को शांत रखें और ज्यादा तनाव ना लें। जी तीसरी चीज दोस्तों, अपने खाने पीने में आप हमेशा जितना हो सके उतनी नेचुरल चीजें खाएं, यानी कि फल फ्रूट ज्यादा सेवन करें और जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं उनसे आप दूरी बनाए रखें। दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन कीजिए, इससे होता यह है कि विटामिन डी और कैल्शियम आपके शरीर में जो भी कमजोरी है उसे दूर करता है, ये आपके वीर्य की गुणवत्ता को इंक्रीज करता है। साथ ही अगर आप आहार में विटामिन डी लेते हैं तो इससे आपकी जो शारीरिक ताकत है और आपके शुक्राणु की जो संख्या है वो दोनों ही इंक्रीज होती है। दोस्तों आज मैं आपको एक सप्लीमेंट बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने वीर्य को गाढ़ा बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कमजोर मरा हुआ सा इंसान है ना, उसके अंदर भी जान डाल देता है। जी हाँ, ये आपके जो भी यौन रोग है उनमें बहुत फायदेमंद होता है, साथ ही पुरुषों के लिए तो वरदान होता है अश्वगंधा। सभी पुरुषों को कम से कम रोजाना 600 मिलीग्राम अश्वगंधा लेना ही चाहिए। अगर आप डेली इसे 90 दिन तक लेते हैं तो इससे आपकी जो शुक्राणु का लेवल है वो 150% ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जी, और इसी तरह अश्वगंधा पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद की चीज है। इसके अलावा आप चाहें तो सूरजमुखी और कद्दू के बीज का भी सेवन कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही आपके लिए बहुत फायदे की चीज है और ये पुरुषों के लिए जबरदस्त चीज है। जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कमजोरी है और जो आपका वीर्य के जो विकार है वो दूर रहे, तो आप हमेशा दोस्तों अपने आप को सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों ये सारी जो नशीली चीज़ें होते हैं ये आपके ना केवल ब्रेन पर असर करती है बल्कि आपके शरीर की जो शुक्राणु का लेवल है उसे कम करता है, साथ ही जो आपके वीर्य का जो क्वालिटी होता है उसे बहुत ज़्यादा खराब करता है। तो दोस्तों अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ना केवल आपका वीर्य गाढ़ा होगा बल्कि आपके जो भी शरीर की कमजोरियां हैं वो सख्त से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो मैंने जानकारी दी है आप इसे अमल में लाएंगे और इससे पूरी पूरी आप फायदा प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।